गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 9 मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सरसाइज 9B पार्ट 2। पार्ट 1 हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने ए पार्ट डिस्कस किया था, आज हम बी पार्ट डिस्कस करेंगे। बी पार्ट में है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 7 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 7 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना, 12 7 जब 84 को 2 से मल्टीप्लाई, 168 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। ठीक है, अब इसे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, 10 6 जा 60, 65 जा 300, तो 300 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, आपका थर्ड क्वेश्चन है, लेंथ आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, हाइट 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9, जब इनको 15 6 जा 90, 96 9 जा 81, यानी 810 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में आपने देखिए, लेंथ आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ 80 सेंटीमीटर और हाइट 50 सेंटीमीटर दिया, 2 सेंटीमीटर में दिया, 1 मीटर में दिया, तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ आपका मीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। लेंथ 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ 80 सेंटीमीटर, हाइट 50 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ 100 80 50, इनको मल्टीप्लाई किया, 4 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, और आपका सी पार्ट है, इसमें है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, हुज एज इज, एज मीन्स क्या होता है, किनारा। ठीक है, आपका क्यूब है, क्यूब का हमें किनारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इट्स मीन लेंथ दिया, लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ओके, सेकंड है मिलीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ इक्वल टू 16 मिलीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो 16 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 16 मिलीमीटर, तो 4096 क्यूबिक मिलीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड में 25 सेंटीमीटर दिया है लेंथ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया 625, और 25 से किया 15625 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। ठीक, और ये फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है कि आपको 1 मीटर 5 सेंटीमीटर दिया, 1 मीटर में दिया सेंटीमीटर, तो हमें दोनों को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच में प्लस का साइन डाला, 1 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी ऐसे रहने देंगे, मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या कर देना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई, तो 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ऐड किया 105 सेंटीमीटर आ गया। अब ये दोनों ही सेंटीमीटर में हो गया लेंथ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 1/5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1/5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1/5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया 11,57,625 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह हमें क्यूब और क्यूबॉइड का हम अच्छे से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।